सोशल मीडिया ने कितनों की ज़िंदगी बदली तो कितनों का घर बसा और कितनों का घर टूटा, तो किसी को प्यार मिला और किसी का एक मकसद था सोशल मीडिया पे आने का। तो ऐसे ही आज एक शख्स हमारे साथ हैं जो किसी जान पहचान की बात मोहताज तो है नहीं, बट नेपाल के चितवन के रहने वाले मिस्टर मोहम्मद उमर खान जो सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचा रहे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी कहानी और उनका स्ट्रगल के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो एक मुस्लिम परिवार के होते हुए उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, किस प्रकार का बीड़ा उठाया है एक मदरसे को लेकर, कि मदरसे के लिए उन्होंने एक अच्छी पहल बढ़ाई है और अपने भाइयों से अपील की है और वो दुबई ही नहीं पाकिस्तान, बेल्जियम, नीदरलैंड और सारे कंट्रियों में जाकर आए हैं और एक कराटे चैंपियन भी रह चुके हैं। तो आज उनसे हम खास मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। उनके अब्बू जो कि रोशन खान जी, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बहुत सारी बातें होंगी कि किस तरह से उन्होंने ये सफ़र तय किया और कैसे अलग अलग कंट्रियों में जाकर और अपने भाइयों से मिले। और काफ़ी जब हम उनसे मुलाकात किए तो काफ़ी परिचित जैसा एक माहौल लगा और लोग उनसे काफ़ी लोग मिलने उनके रहवासी इलाके में आ रहे थे। तो आज हम उनसे बात करेंगे, मोहम्मद उमर खान जो आज हमारे खास मेहमान होंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो हम बात कर रहे थे मोहम्मद उमर खान की, एक 22 साल के एक नवयुवक जो नेपाल से चलकर दुबई आए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उमर खान, बहुत बहुत स्वागत है दुबई में। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि आज आप नेपाल से चलकर दुबई आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र रहा, 4 घंटा का सफ़र था और यहाँ की सारी चीज़ अच्छी है लेकिन गर्मी बहुत सख्त है, तो और धूप की तो बात ही मत करें आप। लेकिन माशाल्लाह डेवलप है, सारा चीज़ अच्छा है, निज़ाम अच्छा है, माहौल वगैरह अच्छा है, तो आई लव दुबई। इससे पहले आप पाकिस्तान गए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ, किसी प्रकार की तकलीफ़ या वीज़ा वगैरह में? नहीं नहीं, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा सफ़र। पाकिस्तान एंट्री हुए, बहुत शान व शौकत के साथ एंट्री हुए, वहाँ चैम्पियनशिप लड़ा हम लोगों ने, अच्छा नतीजा भी निकला, मेडल भी आया और ख़ासकर वहाँ के जो आवाम थे उनकी खिदमतगारी, तो मज़ा आ गया। अच्छा ये बताएं कि जब आप पहली बार टिकटॉक पर आए तो कौन सा वीडियो वायरल हुआ और आपको आपके फ्रेंड ने या किसी ने तो बताया होगा कि अरे मैंने आपका वीडियो देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे आप सोशल मीडिया पे आए? एक्चुअली टिकटॉक का जो मेरा स्ट्रगल है वो जब मैं पहले बनाता था तो दिन में 20-30 वीडियो ऐसे डाल देता था मैं, तो एक शौक था। लेकिन एक जो मेरी जो वीडियोज़ वायरल हुई थी तो मैं उस दिन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक गरीब था तो उस गरीब को मैंने कुछ खाने के लिए दिया, तो वो किसी ने, मैंने वीडियो नहीं करना था लेकिन किसी ने कर दिया था, तो वहाँ से मेरा वीडियो वायरल होने शुरू हुए, तो मुझे लगता है वो एक गरीब की दुआ थी शायद, आई थिंक। अच्छा, जो आप कंटेंट बनाते हैं ये कंटेंट के पीछे किसकी स्टोरी होती है, कैसे आप कंटेंट डिसाइड करते हैं या आपकी टीम है कैसे डिसाइड करते हैं? आपकी बहन को भी देखा गया है उस कंटेंट में और आपकी एक शिष्य जिसको आप कराटे सिखाते थे वो आपके साथ बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती है और वो टिकटॉक पे नेपाल में ही नहीं कतर में, सऊदी में और दुबई में भी बहुत पसंद किया जा रहा है उस वीडियो को, तो इसके पीछे कितनी मेहनत है और कैसे आप एक कंटेंट डिसाइड करते हैं? वो तो आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच के लेके आती है। और रही बात कंटेंट की, तो हमारी एक टीम है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट है वहाँ पे, तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज इस तरीके से सीन करना है, तो हम लोग प्लानिंग करके ही वो सारा चीज़ करते हहैं। लाइक हमें एक शूट करने के लिए 3-4 घंटा ऐसा कुछ टाइप का लगता है हमें, कि कैमरामैन किस सेटअप पे कहाँ तक जाएगा, फिर इधर उधर, वो सारा चीज़ प्लानिंग करके होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके अब्बू भी हमारे साथ हैं रोशन खान जी, क्या कहेंगे जब आपने पहले वीडियो स्टार्ट की बनाना, तो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त यार जो अब्बू के रिश्तेदार वगैरह हैं या अब्बू के फ्रेंड वगैरह हैं, तरह तरह के ताने मारते होंगे, लड़का पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा है, वीडियोज़ वगैरह बना रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस था वो टाइम? नहीं, ताने वगैरह तो अब एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने के बाद तो ऐसा ही होता है, रिश्तेदार वगैरह कहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन एक क्या होता है कि जब हम इस काम को करते हैं तो
अब इसका एक तरीका होता है, आप सही से इस्तेमाल करो गलत तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया था हमें मदरसा मस्जिद का काम करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल पहले जब मैं गाना वगैरह में करता, गाना वगैरह तो अभी भी करता हूँ, लेकिन एक ज़रिया बना मदरसा मस्जिद के लिए, तो फ़िलहाल अबू अभी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा अबू से बात कर लेते हैं। रोशन खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे जब पहला बेटा आपका जब स्टार्टिंग में टिकटॉक पर आया, सोशल मीडिया पर आया, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहते थे लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें क्या कहें, लोग तो पहले नहीं बल्कि अभी अभी भी, दो मिनट पहले भी एक ने मुझे कमेंट किया मेरे टिकटॉक पर, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने बेटे को समझाया कीजिए, क्योंकि वो गाने में टिकटॉक बनाता है, नाचता है, गाता है, तो वो हाफिज़े कुरान है। मैंने उनसे कहा कि हर बाप चाहता है कि हाफिज़े कुरान नहीं बल्कि एक आम मुसलमान भी जो है इस तरीके से गाना बजाना नहीं करना चाहिए। हम भी इस बात की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जब बच्चे होते हैं तो उनको एक हद तक समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती भी तो किसी चीज़ पे नहीं कर सकते, बल्कि एक हिकमत का तकाजा होता है। तो हम हमेशा उम्र को कभी भी अकेले भी हम उसे ये कहते हैं, बल्कि आम लोगों के बीच में भी ये कहा करते हैं कि आप गाने में जो है टिकटॉक ना बनाया करो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो लोगों ने तो नाचना गाना भी बता दिया, हालांकि इनको नाचते हुए हमने अभी तक देखा भी नहीं है, और गाने में भी ये जो है ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा करीब जैसा होना चाहिए, जैसा लोग करते हैं इस तरह का से भी एकदम खुला हुआ काम तो नहीं करते हैं, वो फिल्मों का गाना को जो है फिर ये अपना डुप्लीकेट एक बनाते हैं, तो उस पर भी हम इन्हें मना करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इनको मना करने के साथ साथ अल्लाह की जात पर ये उम्मीद रखते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है कि उमर जो है गरीबों के बारे में, लोगों के बारे में, मस्जिद और मदरसे के बारे में, बल्कि दीन के काम को, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों के लिए मोहब्बत और दुआ और इस काम को एक फिक्र के साथ करेंगे। और अभी हम ये समझते हैं कि उमर नौजवान तो है, लेकिन नौजवान बच्चा है, अभी उसके अंदर इतना ज़्यादा समझदारी नहीं है जैसी होनी चाहिए। लेकिन हालात और वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बल्कि वो समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हम अल्लाह की जात पर उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि उमर को बिल्कुल सही नहज पर, जिस तरीके से एक मुसलमान को होना चाहिए, ऐसा बनाएगा। इस बात का हम उम्मीद करते हैं, और जो उम्र से छोटी मोटी गलती हो रही है उसके लिए हम लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं, इसकी माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, और ये भी कहते हैं कि लोग जो है उम्र के लिए दुआ करें। बल्कि अब तो कोई इंसान जो है सहाबा रजी अल्लाह तआला की तरह तो नहीं बन सकता है, लेकिन इंसान चाहे तो सहाबा रजी अल्लाह तआला के नक्शे कदम पर चल सकता है, और बल्कि मुसलमान ही नहीं बल्कि हर जाति हर धर्म के लोग सब हमारे इंसानी भाई होते हैं, और हर एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत और उनकी मदद करना ये जिम्मेदारी बनती है। तो हम इन्हें हमेशा अच्छी अच्छी बात की तरगीब देते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इनसे। जी रोशन जी, ये बताइए कि ये जो आपने एक पहल आगे बढ़ाई है मदरसे को लेकर, जी इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि मदरसे के लिए जो आप अपने भाइयों से एक अपील किए हैं, कि और उमर खान ने भी एक वीडियो बनाई थी मदरसे को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? इस पर देखिए, असल में हम तो एक तो स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, मैं ताइक्वांडो का मास्टर हूँ, और मुझे अक्सर सफ़र करना होता है, और मेरा बेटा उमर या अब्बास जो भी है ये सब ताइक्वांडो में लगे हुए हैं, मेरे घर के अक्सर बच्चे, तो हमारी सफ़र होती रहती है। तो हमारे यहाँ हमारे मुफ्ती साहब हैं, जैसे अभी भी मुफ्ती अशरफ साहब यहाँ दुबई में होते हैं, और हमारे यहाँ पर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हैं जो बहुत बड़े आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल में उनको बहुत सारे लोग चाहते हैं, मानते हैं, इज्जत करते हैं। तो उन्होंने हमें ये तरगीब दिया हुआ है कि भाई आप सफ़र करते हैं दुनियावी निस्बत पर,
एक गेम को लेकर के अपने मुल्क को जो है दिखाते हैं, अपने मुल्क के बारे में शो करते हैं। तो आप इसके साथ साथ अगर ये भी किया करें कि वहाँ जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, तो उन मुसलमानों से मिल करके आप कम से कम मदरसे के बारे में भी कुछ बात रखें, ताकि मदरसे को भी मदद मिल जाए और यहाँ रहने वालों को भी, तो एक सोशल काम भी हो जाएगा। और इस तरीके का काम करेंगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएंगे, आपको सवाब के आप हकदार बन जाएंगे। इस तरीके के उन्होंने मतलब हमें तरगीब देने के बाद फिर हमने उमर से ये कहा कि आपको बहुत सारे लोग वीडियोज़ में देखते हैं, भले आपके गाने को पसंद करते होंगे या आपके अंदाज को पसंद करते होंगे, तो कम से कम कभी कभी लोगों के सामने में भाई ये मदरसे के बारे में भी बोल दिया करो ना। हो सकता है आपके बोलने से कोई लोग जो है ना जुड़ जाएंगे और मदरसा को कुछ दे देंगे, तो भाई एक नेक काम हो जाएगा ये है। नहीं तो ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। और मैं खुद भी एक मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ, मदरसा अबू बकर सिद्दीक और मदरसा आयशा सिद्दीका का मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि हमारे अंडर में उस्ताद हजरात होते हैं, उनके मशवरे से हम काम करते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात उमर खान के अब्बा जी ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि बाप इंजीनियर है तो बेटे को भी इंजीनियर बनाता है, बाप वकील है तो बेटे को भी वकील बनाता है, बट एक मार्शल आर्ट की कला जो बाप और बेटों के बीच एक तालमेल देखा गया है सोशल मीडिया पर। और एक बात बताइए उमर खान जी, आप अभी 22 साल के नौजवान हैं, क्या करना चाहते हैं आगे जाकर, और अब क्या कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई जो भी आपकी कॉलेज क्या क्या दिनचर्या है, अब आगे क्या करने वाले हैं? पढ़ाई में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। अच्छा, आगे क्या करेंगे मार्शल के बाद? नहीं, मार्शल आर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़िंदगी भर तक चलेगी, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करते हैं आगे की जो निजी ज़िंदगी है वो दिन के मुताबिक गुजरे। और रही बात ये है कि हम जिस खेल के माध्यम से लगे हुए हैं, हमारे गेम होते हैं साफ गेम, साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम, ओलंपिक्स, तो उसके लिए हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ड्रीम होता है कि सब सारे प्लेयरों का कि हम आगे जाके ओलंपिक खेले, एशियन खेले, लेकिन ये होता है कि कभी कभी एशिया कंट्री के बारे में आपको पता है पॉलिटिक्स वगैरह, तो हमारे नेपाल में बहुत ज़्यादा है, खेल के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से भी बंदे पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि सोशल मीडिया में आने के बाद कोई कॉन्ट्रोवर्सी आपके साथ कभी वीडियोज़ को लेकर? या जी जी, बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आए थे मुझे, लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री से भी आया था, और ये साउथ मूवी के लिए मुझे विलन का रोल भी दिया गया था, लेकिन अब उतना ज़्यादा आगे नहीं जाना है इस कैरेक्टर को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे हूँ, खुश हूँ, फैमिली के साथ हूँ, बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं लाइक इंटरनेशनल, तो वो लोग ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे भरोसा कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। 1.8 मिलियन फॉलोअर और 77 मिलियन लाइक्स इनके टिकटॉक पर है। और अगर आप लोग मदरसे के लिए आगे आना चाहते हैं तो हम इनका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक में दे देंगे, और ये आपको मेरे इस वीडियो में इनका इंस्टाग्राम मिलेगा। आप लोग से ये क्या जो हमारे दर्शक, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मदरसों के लिए, कि जो भाई आगे आना चाहता है, जो मदद करना चाहता है? जी जी बिल्कुल, वो तो अपने सवाब के लिए ना, आप जितना ज़्यादा देंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। आपकी वजह से मस्जिद में एक ईंट लग जाती है तो अल्लाह आपके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देता है, बड़ी बड़ी फजीलत है, तो वो अपने दिल की बात है जी। हम तो बस अपने लिए नहीं आए हैं जी। एक तो हम तो यहाँ टाइगर क्लब में असल में ट्रेनिंग के लिए आए थे, लेकिन एक मौका मिला मदरसे का काम करने के लिए भी, तो ज़िंदगी में मुख्तसर से ज़िंदगी में इल्ज़ाम बहुत है, वो कहते हैं ना, तो ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया अल्लाह ने, तो इस काम के लिए लगे हुए हैं। दुआ करें, अब कुछ ही दिन बचा हुआ है हमारे पास, 22 को तो हम लोग निकल जाएंगे रात को, कुछ दिन बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, अपील किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाते जाते रोशन जी, जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से वो आप तक पहुँच सकते हैं? हाँ, बल्कि आपने भी जो है मेरी दिल की कुछ बात को आपने रखने का मुझे मौका दिया, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा हम तो खुद यहाँ मौजूद है ही,
लेकिन हमारे जाने के बाद भी अगर कुछ लोग उमर के इंस्टाग्राम पे अगर जो है ना कुछ मदरसे के लिए करना चाहते हैं, तो जो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब हैं आप उनसे डायरेक्टली जुड़ भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें ही पैसा दें, बल्कि मुफ्ती निजामुद्दीन ऐसे शख्सियत हैं नेपाल के लिए, बल्कि उनको पूरी नेपाल के अच्छे खासे लोग जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग जानते हैं। उनको डायरेक्टली मिल करके या फिर उन्हीं से बात करके भी आप दे सकते हैं। हम जो है अगर आप चाहें इंस्टाग्राम के अंदर मुफ्ती साहब का फ़ोन नंबर हो या एड्रेस हो अगर आपको चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। तो मैं लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि आपने हमें मोहब्बत किया है और यहाँ पर हम जो है भाई जो है हमारे यहाँ अरबाब की तरह यहाँ रहते हैं, 5-6 कंपनी इन्होंने खोला हुआ है, इन्होंने जो मोहब्बत दिखाया हमें अपने फैमिली की तरह यहाँ पर रखा है और जो है बहुत अच्छा भाईचारा इन्होंने निभाया है। मैं इनको भी बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को मुझे हम सबको जो है अपने फैमिली की तरह यहाँ रखा। तो इसके लिए मैं तमाम दुबई में रहने वाले मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो या जो भी हो, हमारे नेपाली लोग हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सारे लोगों को जो है मैं दिल से उनको सलाम करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने हमसे मोहब्बत किया है, अल्लाह करे कि अल्लाह पाक भी उनसे मोहब्बत का मामला करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जाते रहते उमर खान जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों को और क्या अपील देना चाहेंगे? जाते रहते आखिरी सवाल, आखिरी बात वही है, अब थैंक यू फॉर योर राज नेटवर्क जो आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और सब लोग इस चैनल को प्लीज़, खासकर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और इस राज नेटवर्क को एक अच्छा सा मुकाम पे लेके जाए ताकि ये कल को जाके बहुत बड़ा काम कर सके। और थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी मोहब्बत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक अच्छी पहल मदरसे के लिए और बहुत बड़ा काम छोटी उम्र में, 22 साल की उम्र और जज्बा बहुत बड़ा। पिताजी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, एक बाप और एक बेटे की जोड़ी एक मदरसे के लिए एक बहुत अच्छी पहल जो सवाब का काम है। और इससे इन दोनों की अपील है कि जितने भी अपने हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हैं आगे बढ़ें और जो भी इन्हें कांटेक्ट करना चाहता है, हम इंस्टाग्राम का लिंक फ्लैश करेंगे इस वीडियोस में, तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।